नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। करजो रोड पर स्थित आशा देवी कॉलेज के सामने खदानों को खनिज विभाग द्वारा बंद किया गया था, उसके बावजूद भी इन खदानों में काम करने वाले ठेकेदारों ने अवैध रूप से चालू कर दिया है काम। ग्रामीणों ने बताया, पूर्व में खदान में काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा हैवी ब्लास्टिंग कर खनन किया जाता था, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता था। इसको लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था और भारी ब्लास्टिंग की शिकायत DGMS अजमेर से की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विभाग ने कार्यवाही करते हुए इन खदानों को बंद करवा दिया था, परंतु खदान में काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा इस खदान को अवैध रूप से चालू कर दिया है। आज इस खदान में LNT मशीन चढ़ाई गई है, उस दौरान एक पत्थर पहाड़ से खिसक कर नीचे खेत में जा गिरा, जहां पर महिलाएं खेत में काम कर रही थी। खदान एरिया का पत्थर खेत में गिरने से खेत में काम करने वाली महिलाएं बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध भी किया, उसके बावजूद भी खदान ठेकेदारों ने कार्य चालू रखा। संवाददाता द्वारा जब इस बारे में माइनिंग फोरमैन केतन प्रकाश मीणा से जानकारी चाही तो उन्होंने सहायक अभियंता से संवाददाता की बात करवाई। सहायक खनिज अभियंता विजिलेंस धर्म सिंह मीणा ने बताया, आशा देवी के सामने स्थित खदानें बंद की गई हैं, उसके बावजूद भी अगर खदानों में ठेकेदारों द्वारा कार्य किया जा रहा है तो यह अवैध है और ठेकेदारों द्वारा नियमों के पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए झलको शेखावाटी न्यूज। नमस्कार।